ये वीडियो चैप्टर 10 का तीसरा और आखिरी हिस्सा है। इसमें हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं और उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं जिनके ऊपर वो ऑपरेट करते हैं, जिनमें स्नेल्स लॉ और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शामिल हैं, और एंड पे हम ऑप्टिकल फाइबर्स की टाइप्स देखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर्स शीशे या प्लास्टिक के बारीक फाइबर्स होते हैं जिनके अंदर हम लाइट को कैप्चर करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स जिस तरह हम पहले इलेक्ट्रिकल केबल्स यूज करते थे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए, अब हम वही सिग्नल या इंफॉर्मेशन लाइट के ऊपर डालते हैं और लाइट के जरिए उसको ट्रांसफर करते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा वो उसके ऊपर नॉइज़ कम असर करता है, जो चीज़ें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मुतासर करती हैं वो लाइट के सिग्नल्स को मुतासर नहीं करती, और इसको हम टैप नहीं कर सकते। जिस तरह हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के साथ एक तार लगा के सारे सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, लाइट के साथ हम इस तरह की टैपिंग नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये ज़्यादा सिक्योर भी है। इस वजह से ऑप्टिकल फाइबर्स हर जगह पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अब रिप्लेस करें। हमारे पास दो मीडियम है, हम दो मीडियम कंसिडर करते हैं, एक मीडियम एंड ग्लास है और एक मीडियम एयर है। हर मीडियम के साथ एक इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन एसोसिएटेड है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक रेशियो होती है कि उस मीडियम स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है और फिर उस मीडियम के अंदर कितनी है, और एयर के लिए इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है और एयर के अंदर कितनी है स्पीड ऑफ लाइट वी। स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ और ग्लास के अंदर 2 × 10⁸ होती है, तो मेरे पास 1.5 इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन आता है ग्लास का, और वैक्यूम और एयर में तकरीबन 3 × 10⁸ ही होती है, तो ये इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1 आता है। जिस मटेरियल के अंदर लाइट स्लो मूव करेगी उतना ही उसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ऐसे मटीरियल को हम डेंसर मटीरियल कहते हैं। रिलेटिवली कंपेयर करें अगर उसको एयर या वैक्यूम के साथ, उसको हम रेयरर मटीरियल कहते हैं। लाइट की ये प्रॉपर्टी है कि जब वो एक मीडियम जिसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन लेट्स से ग्लास है मुख्तलिफ है दूसरे मटेरियल के, ये एयर है, ये दो डिफरेंट मटेरियल हैं, लाइट जब एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की सतह पे टकराती है तो लाइट का कुछ हिस्सा, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं हम हाइपोथेटिकल, कुछ हिस्सा वापस पहले मटेरियल में आ जाता है और कुछ हिस्सा दूसरे मटेरियल में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्ट हो जाना। तो जो हिस्सा ये इंसिडेंट रे का एंगल है नॉर्मल के साथ और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है वो थीटा आर है। इंसिडेंट हमेशा रिफ्लेक्टेड के बराबर होती है, इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जो एंगल रिफ्रैक्ट होता है वो इंसिडेंट से मुख्तलिफ होता है, इसलिए हमें देखें तो हमें लगता है कि लाइट रे दूसरे मटेरियल में जाके बेंड हो गई है। इस बेंड होने को कहते हैं रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं ये हमें देता है स्नेल्स लॉ, जो हमें बताता है कि अगर एक मटीरियल का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और साइन थीटा, जिस एंगल जो एंगल नॉर्मल के साथ वो बना रहा था इंसिडेंट हो रहा था जब वो दूसरे मटेरियल के ऊपर, इस एंगल को हम थीटा इंसिडेंस कहते हैं, ये बराबर होगा दूसरे मटेरियल का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और साइन थीटा जो दूसरे मटेरियल में जाके वो नॉर्मल के साथ बना रहा था, इसको हम सिर्फ थीटा कह देते हैं, ये स्नेल्स लॉ है। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि दूसरे मटेरियल में जाके वो किस एंगल के ऊपर बेंड हो रहा है। अगर मैं एक डेंस मटेरियल से एक रेयरर मटेरियल में जाऊं, ग्लास से मैं एयर में जाती हूँ, इनके इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से स्नेल्स लॉ के मुताबिक मेरा एंगल ऑफ एक रिफ्रैक्शन होगा, और ये लाइन चूंकि रेयरर में जा रहे हैं तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। अगर मैं अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देती हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको बढ़ाती जाऊं तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के बिल्कुल साथ रे जाएगी, यानी मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, थीटा सी। और अगर मैं स्नेल्स लॉ में इसको पुट करूं तो साइन थीटा सी जो मेरा क्रिटिकल एंगल होगा वो बराबर होगा इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर साइन ऑफ 90 डिग्री, दूसरे मटेरियल में जाके वो 90 डिग्री बना रहा है नॉर्मल के साथ, तो साइन ऑफ 91 होता है, तो फिर साइन क्रिटिकल एंगल इन दोनों इंडेसेस ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशियो हम मेरे पास आ जाएगी।
क्रिटिकल एंगल का अब फायदा क्या है, इसका क्या मतलब है? क्रिटिकल एंगल से जब मैं अपना एंगल मजीद बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, अब मजीद रे रिफ्रेक्ट होना बंद हो जाएगी और सारी की सारी रे मेरे पहले मटेरियल के अंदर आ जाएगी, यानी सारी रे मैं कहूंगी कि वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये वो प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट को डाल सकते हैं। हम इस तरीके से लाइट को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंजेक्ट करते हैं कि उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, तो फिर वो लाइट बाहर नहीं जाती बल्कि सारी की सारी अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है, और फिर वो दूसरी सरफेस से टकराती है, उसके एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही रहता है, फिर यूं लाइट सरफेसेस से टकराती टकराती फाइबर के अंदर ही कन्फाइंड रहती है, और फाइबर जितना भी आप लंबा करते हैं वो लाइट उसके अंदर ट्रैवल करती जाती है। इस तरह हम लाइट को ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर ट्रैवल कराते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल इन केस ऑफ लाइट थ्रू टू मीडियम्स हैविंग रिफ्रेक्टिव इंडेसेस n1 एंड n2 सच दैट n1 इज ग्रेटर देन n2? स्नेल्स लॉ क्या है? n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। क्रिटिकल एंगल के केस में थीटा 2 साइन थीटा 90 होता है, तो ये 1 हो जाता है। साइन थीटा 1 n2 ओवर n1 के बराबर होता है। तो अगर मेरा क्रिटिकल एंगल है थीटा, तो थीटा 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n2 ओवर n1 हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ n2 ओवर n1, ये मेरा करेक्ट आंसर है। साइन n1 ओवर n2 नहीं हो सकता क्योंकि मैं फर्स्ट मीडियम को ले रही हूँ, इसमें से मैं इंसिडेंस इंसिडेंट करा रही हूँ, और थीटा 2 जो है वो दूसरे मीडियम के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। कॉस नहीं होता, ये हमेशा साइन थीटा होता है स्नेल्स लॉ के मुताबिक। इन गोइंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम अ रे ऑफ लाइट इज, जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंट करती है। हमने अभी इसको स्टडी किया, तो बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसका करेक्ट जवाब है। अनडेविएटेड नहीं रहती, जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। बेंच टूवर्ड्स द नॉर्मल ऑपोजिट केस में करती है जब रेयरर से डेंसर में जा रही होती है। जो इसका चौथा ऑप्शन है पोल, ये आई एम सॉरी कि मुझे इसका मतलब नहीं पता, लेकिन इसका आंसर बी है, ये हमें 100% श्योर है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस और फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट होती है वैक्यूम के अंदर, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या अगर हम किसी मीडियम में देखें तो भी स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट होती है इस रिलेशनशिप से। मगर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है? 3 × 10⁸ m/s है, और अगर हम ग्लास कंसिडर करें तो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ m/s है, यानी लाइट स्लो हो गई है ग्लास में आके। तो जब लाइट की स्पीड चेंज होती है तो इस रिलेशनशिप के मुताबिक या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए या उसकी वेवलेंथ चेंज होनी चाहिए या दोनों चेंज होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के बराबर होती है। 1 ओवर टाइम पीरियड होता है, और इसके यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज, जो कि साइकिल्स पर सेकेंड होते हैं। और वेवलेंथ किसके बराबर होती है? वेवलेंथ मीटर्स में मेजर की जाती है, और वेवलेंथ वो फासला होता है जो लाइट एक टाइम पीरियड में तय करती है। टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड्स। तो जब लाइट एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में ट्रैवल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्यों चेंज नहीं होती? क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और उसको कॉन्टिन्यूस रहना होता है एक सरफेस के ऊपर, उसमें ब्रेक नहीं आ सकता, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड उतने ही रहते हैं, मगर एक साइकिल में लाइट कितना फासला तय करती है वो चेंज हो जाता है, यानी उस लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो इसकी वजह से अब हम देखते हैं कि अगर वो ग्लास एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर, यानी एयर से ग्लास में जाएगी, तो रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, ग्लास में जाके स्लो हो जाएगी, जिसका मतलब है कि वो अब उतने ही टाइम में ज़्यादा फासला तय करेगी या कम फासला तय करेगी। अगर स्पीड स्लो हो रही है, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो उतने ही टाइम में स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, वेवलेंथ उसकी बढ़ जाएगी। वेवलेंथ इंक्रीजेज इसका सही आंसर है। वेवलेंथ डिक्रीजेज होता अगर ये ऑपोजिट केस हम कंसिडर करते, अगर वो एयर से ग्लास में एंटर होती, फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती। ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि हमारे पास एक हाई इंडेक्स मटेरियल होता है जिसको हम कोर कहते हैं,
और उसके गिर्द हमारे पास एक क्लैडिंग होती है जो कि लो इंडेक्स मटेरियल होता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ा था प्रिंसिपल कि हम एक हाई इंडेक्स मटेरियल से लो इंडेक्स में जाते हैं तो वो लाइट नॉर्मल से अवे बेंड करती है, और फिर एक खास इंसिडेंट एंगल के ऊपर हम जब लाइट को इंजेक्ट करते हैं तो वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है फाइबर के अंदर, और यूं लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के तहत लाइट फाइबर के अंदर ट्रैवल करती है। इसलिए हमें दो इंडेक्स वाले मटेरियल चाहिए, एक बीच में कोर चाहिए जिसका हाई इंडेक्स हो और उसके गिर्द क्लैडिंग होती है जिसका लो इंडेक्स होता है हमेशा। अब ऑप्टिकल फाइबर की दो मेन टाइप्स हैं, एक सिंगल मोड और दूसरी मल्टी मोड। सिंगल मोड के अंदर एक मोड ट्रैवल करता है लाइट का। लाइट का मोड क्या होता है, ये एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। हम सिर्फ ये समझ सकते हैं फिलहाल कि लाइट के अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं और एक मोड जो है वो एक ही स्पीड से ट्रैवल कर होता है, तो उसको हम एक मोड कह देते हैं। सिंगल मोड जो फाइबर होते हैं उनका जो कोर होता है वो थिन होता है, उसका डायमीटर 5 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। और मल्टी मोड फाइबर के आगे दो टाइप्स हैं, एक स्टेप इंडेक्स और एक ग्रेडेड इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स जो है वो सिंगल मोड की तरह होता है मगर उसका कोर का डायमीटर सिंगल मोड से बड़ा होता है, अराउंड 50 माइक्रोमीटर के करीब होता है। ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होता है कि हमारे कोर और क्लैडिंग के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो शार्प नहीं होती, बल्कि हाई इंडेक्स मटेरियल होता है। हम ग्लास को इस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हाई इंडेक्स मटेरियल होता है और फिर वो ग्रेजुअली लो इंडेक्स होता जाता है। इसके अंदर लाइट किस तरह ट्रैवल करती है कि लाइट जब हाई इंडेक्स मटेरियल से लो में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड करती है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है यहाँ तक कि एक स्मूथ सेमी सर्कल की शक्ल में लाइट ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में से ट्रैवल करती है। और लाइट की स्पीड भी चेंज होती है, जैसे जैसे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होता है तो जो लाइट का मोड डेंसर मीडियम में से ट्रैवल करता है वो कम स्पीड से ट्रैवल करता है, जो रेयर मीडियम में से ट्रैवल करता है वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है, मगर वो उस पॉइंट पे आके एक ही वक्त में मीट करते हैं, और इस तरह ग्रेडिएंट इंडेक्स में से लाइट ट्रैवल करती है। अ मिरर प्लेस्ड ऑन अ ट्रॉली मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर विद अ लीनियर वेलोसिटी वी मीटर पर सेकेंड। द इमेज ऑफ द ऑब्जर्वर अपेयर्स टू मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एट द स्पीड। ये अब एक जरा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हमारे पास एक ट्रॉली है, उसके पीछे एक मिरर लगा हुआ है, और वो ट्रॉली ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, ऑब्जर्वर स्टिल खड़ा हुआ है, यहाँ पर शीशा लगा हुआ है। तो जो इमेज है ऑब्जर्वर का इस शीशे में वो किस स्पीड से उससे दूर जा रहा है। एक मिरर जो होता है उससे हम जितने फासले पे खड़े होते हैं हमारा जो इमेज होता है वो भी मिरर के अंदर उतने ही फासले पे होता है। तो जब मैं ट्रॉली के सामने खड़ी हुई हूँ तो मेरा इमेज उतने ही डिस्टेंस के ऊपर दूसरी तरफ है, मगर ट्रॉली मूव कर रही है वी मीटर पर सेकेंड। ट्रॉली जब लेट से ट्रॉली 5 मीटर्स कवर करती है तो मेरा इमेज में मुझसे कितना दूर चला जाता है, 10 मीटर्स दूर चला जाता है, यानी डिस्टेंस डबल हो रहा है। मेरे और मेरे इमेज के दरमियान डिस्टेंस डबल स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट जवाब है 2 टाइम्स v मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इसकी वजह यह है कि डिस्टेंस, एक वो डिस्टेंस है जो मुझ में और मिरर में है, और एक वो डिस्टेंस है जो मिरर और मेरे इमेज में है, और उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि मेरे इमेज से लेकिन मेरे दरमियान जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड पे जा रहा है। तो उसमें ये वाला डिस्टेंस 2 दफ़ा काउंट होगा। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये वाला डिस्टेंस 1 टाइम d है और एक और दफ़ा d है, 2 टाइम्स है मिरर की वजह से, इसलिए मेरी स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी। बाकी के ऑप्शंस गलत हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है।